गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सुबह की शुरुआत करते हुए फिर से हॉट वाटर से एंड कुछ ग्लिम्स न्यूज़पेपर से। आज के दिन फिर से शुरुआत करते हुए ये मेरे ग्रीनरी से, पार्क से और न्यूज़ से। तो आज की न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द पीपल हु आर preparing themselves for MBBS, which is a very great news. मेडिकल कॉलेज में अब सीटें खाली नहीं रहेंगी, सो विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बिकॉज देर वोंट बी एनी प्लेसेज वेर इन द सीट्स वुड बी एम्प्टी, सो देर वुड बी मोर चांसेज मे बी कि आप लोगों को चांस मिले मेडिकल में MBBS कंप्लीट करने का, MBBS में अपना नाम दर्ज करवाने का और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाने का। मेरा बहुत बड़ा सपना था। कोरोना के टाइम पे इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन की मंजूरी। जो बच्चे 7 से 11 साल के बच्चों में भी आपातकालीन उपयोगों के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो जो बच्चे 7 से 11 साल के हैं उन लोगों को भी कोवैक्सीन लग सकती है। प्लीज़ अपने नियर बाय जगह पे जाकर आप पता करें, जहाँ पर को आप लोगों को वैक्सीन लगी है वहाँ पे अपने बच्चों के बारे में भी पता करें, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन उनको लग सकती है अब। और इसी सब न्यूज़ के साथ बड़ों को पैरी पोना, छोटों को बहुत सारा प्यार और नाल दयानो बिग पुच्ची। सो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी एंड प्रेप टाइम। भिंडी का प्रेप टाइम है कि आप भिंडी को धोकर और अच्छे से सुखा कर, या तो आप किसी न्यूज़पेपर पर रख दें या आप किसी क्लोथ से इस भिंडी को अच्छे से सुखा दें, क्योंकि भिंडी में अपना एक लेसलापन होता है, एक चिपचिपापन होता है, जिसमें अगर आप इसको सुखाएंगे नहीं तो आपको बनाते वक्त भिंडी में बहुत लेस आएगी। तो मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर गाइड करती हूँ कि कैसे आपको भिंडी बनानी है और भिंडी बहुत टेस्टी बनेगी। जनरली हम क्या करते हैं, हम भिंडी को ऊपर से इसका ऐसे काट लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, आप या तो छोटा छोटा काटो या बड़ा बड़ा काटो या भर कर बनाओ। गाइज, आई एम श्योर सब ने अपने बचपन में ये खेल ज़रूर खेला होगा जिसमें आपने भिंडी को अपनी फिंगर्स में इस तरह से चिपका कर और काइंड ऑफ एक मेहंदी बनाने की कोशिश करी होगी। ऑलमोस्ट गर्ल्स ने, आई एम श्योर बॉयज़ ने भी, एंड कभी मुँह पर चिपकाओ, कभी हाथ पर चिपकाओ, एंड यस, सो बहुत याद आती है जब ऐसी चीज़ें हम करते हैं तो बचपन की बड़ी याद आती है। मन करता है कभी बचपन लौट कर आ जाए, बट वो दिन कभी लौट के नहीं आते। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर बचपन हर किसी को कायम रखना चाहिए, अपने अंदर बचपना हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी है। आप बचपना रखिए, आप डेफिनेटली मच्योर होइए, आप जहाँ मच्योर होना होइए, बट जहाँ बचपना रखना है, जहाँ खेल कूद मस्ती करनी है, वहाँ वो भी कीजिए। लाइफ में सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज, भिंडी काटते काटते मुझे लगा कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। और आपको पता है कि भिंडी को हम लोग लेडी फिंगर कहते हैं। हमें स्कूल में हमेशा से ये पढ़ाया गया है कि इट इज़ अ लेडी फिंगर, और लेडी फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माना गया है कि एक खूबसूरत लेडी की निशानी होती है लेडी फिंगर, लाइक लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, तो इसलिए इसे हम लेडी फिंगर बोलते हैं। बट शौक तब लगता है जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो और आप वहाँ जाकर बोलते हो भैया मुझे लेडी फिंगर चाहिए, तो भैया भी परेशान हो जाता है, अरे लेडी फिंगर क्या होता है, लेडी फिंगर तो नहीं है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ, इसको ओकरा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ओकरा बोलते हैं। जब भी आप कभी फॉरेन डेस्टिनेशन में जाएंगे तो आप ओकरा बोल के इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी इंडिया में भी किसी एक अच्छे हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी जहाँ पर भिंडी सर्व होती है वहाँ पर भी आपको उनके मेन्यू में ओकरा लिखा हुआ आएगा। सो आस्क फॉर ओकरा। गाइस, अगर मैं बात करूं भिंडी की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, तो भिंडी में बेसिकली ओकरा के अंदर विटामिन B9 प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर RBCs, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन योर बॉडी।
एंड देर आर अ फेयर अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी ऑल्सो विच बूस्ट्स योर इम्यूनिटी. वाइटामिन सी आपने बहुत सुना होगा अभी पिछले 2 साल में जब कोविड के टाइम पे बात हुई थी, तो भिंडी में भी आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी मिलता है जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है. एंड जो भिंडी है इट इज़ अ डाइट्री वेजिटेबल एज वेल बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फाइबर्स, सो इट इज़ गुड, इट्स अ गुड वेजिटेबल to be consumed in diabetes and if you are going for a weight loss because iska nutritional value bahut hi zyada hai and iske andar aapke carbs and all that bahut kam hai. It is good for your weight loss as well. So please भिंडी बनाएं और भिंडी खाएं. भिंडी को बनाने के बाद अलग अलग तरीके हैं. भिंडी में आप आलू मिक्स करके बना सकते हैं, बट अगर आप भिंडी में आलू मिक्स करके बनाएंगे देन दैट वुड नॉट बी गुड फॉर पीपल सफरिंग विद डायबिटीज़ और पीपल गोइंग फॉर वेट लॉस बिकॉज आलू पटेटो इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर वेट लॉस एंड नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर गोइंग अंडर अ जर्नी ऑफ वेट लॉस. एंड डायबिटीज़ वालों के लिए डेफिनेटली आलू डॉक्टर मना करता है. तो आप भिंडी अगर बिना आलू के बनाते हैं सिर्फ प्याज डालकर और टमेटोज डालकर तो इट इज़ डेफिनेटली गुड फॉर इट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू एज़ कम्पेयर टू अगर आप आलू डाल के बनाते हैं. बट लेट मी टेल यू आलू डाल के भी बहुत अमेजिंग बनती है. एंड येस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भिंडी को मैं अभी तक पीछे बताती आई हूँ कि आप इस सब्ज़ी को देसी घी में बनाओ इसमें बनाओ, बट भिंडी को गाइस अगर आप भिंडी को मस्टर्ड ऑयल में या फिर सरसों के तेल में बनाते हैं ना इसका टेस्ट इज़ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. अगर आप किसी भी ऑयल में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. आप देसी घी में भिंडी बनाना चाहते हैं आप बनाइए, आप ऑलिव ऑयल में बनाना चाहते हैं, राइस ब्रान ऑयल में बनाना चाहते हैं, किसी भी ऑयल में बनाना चाहते हैं, प्लीज़ बी माई गेस्ट, आप बनाइए. बट अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे यू कैन डेफिनेटली सी अ डिफरेंस. तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भिंडी कैसे बनाते हैं, आपकी अगर कोई अलग रेसिपी है तो प्लीज़ बताइए. और यस अगर कोई कुरकुरी भिंडी बनाता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने सुना है बहुत टेस्टी बनती है बट मुझे बनानी नहीं आती है. डेफिनेटली मैं YouTube पे जाकर देख सकती हूँ, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो इट विल बी गुड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक इट एंड व्हेन आई विल मेक इट आई विल शेयर दैट विद यू. थैंक यू गाइस. आज मुझे आपको थैंक यू करना है क्योंकि आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरे डेफिनेटली विद इन 3 डेज़ के अंदर, 3 डेज़ भी नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट 2 डेज़ के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से. आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, मुझे व्यूज़ भी आ रहे हैं. एज अ न्यू यूट्यूबर एज अ न्यू व्लॉगर मुझे इतने व्यूज़ आ रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, बट आई वुड बी मोर हैप्पी अगर आप लोग और व्यूज़ देंगे. बट एक छोटा सा कंसर्न है, आप लोग मेरे वीडियोज़ पर आते हैं, आप लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपने आज तो वीडियो देखा है लेकिन कल का वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए, या मैं आप लोगों के फीडबैक या आप लोगों के कमेंट्स या आप लोगों का सपोर्ट किसी भी रीज़न से मिस ना कर दूँ. तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन सॉरी आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इट्स अ रिक्वेस्ट सो दैट मेरे इस चैनल को बूस्ट भी मिले, सो दैट मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स आए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़े, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले एंड आई कैन कंटिन्यू. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग गाइज. आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने फेस के लिए, आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हो, व्हाई इट इज़ सो फ्लॉलेस, why your skin is so flawless, because I don't use any filters. To be very frank, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करने हैं. सो आई एम प्रिविलेज्ड कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैं सिर्फ एक अपना नाइट रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, बहुत छोटा सा नाइट रूटीन है. रात को सोने से पहले अगर आप कहीं गए हैं, आपने मेकअप लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसे मेकअप रिमूव करिए. इधर मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लिया दैट इज़ सजेस्टेड, बट अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो गाइस सबसे बेसिक चीज़ है
like clean your face with a soap or a फेस वॉश विच इज़ वेरी जेंटल. आई वुड सजेस्ट कि आप फेस वॉश से करिए, क्योंकि अभी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ होता है, तो अगर आप फेस वॉश से करते हैं दैट गोज़ वेरी जेंटल ऑन योर स्किन. नहीं है तो दैट्स ओके, आप सोप से भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ये सब चीज़ें तो अभी आई हैं, हार्डली 10-12 ईयर्स या 15 ईयर्स. उससे पहले अगर आप हमारी मदर्स या हमारी दादी वगैरह को देखो तो वो हमेशा सोप से ही साफ़ करते थे, या फिर घर की मलाई या बेसन, इन सब चीज़ों से अपना फेस क्लीन करते थे. तो यू कैन क्लीन इट विद दिस थिंग, सोप और फेस वॉश, और फिर उसके बाद उसको आप डैम्प 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 टैप कर सकते हैं किसी भी कॉटन या टाल से, या जैसे भी अपना फेस को आप ड्राई कर सकते हैं. देन आई यूजेस दिस, दिस इज़ वाओ का कोई प्रमोशन नहीं है गाइज, इट इज़ जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि मैं वाओ का टोनर यूज़ करती हूँ. इट्स अ रेड अनियन ब्लैक सीड टोनर. तो सिंपल अपने फेस पे आप थोड़ा सा टोनर यूज़ करके आप ऐसे 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 डैप 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 करो, और फिर उसके बाद वॉट आई यूजेज सैग का ऑलिव ऑयल फॉर दी स्किन. तो मैं रात को ऑलिव ऑयल फेस पे अच्छे से लगाकर मसाज कर और एक हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर, लिप ग्लॉस एज इन दी लिप बाम लगाकर आई गो ऑफ टू स्लीप. सो उससे क्या होता है कि मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहती है, एंड मॉर्निंग में उठकर सबसे पहली चीज़ व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट सिंपली वॉश माय फेस. आई ट्राई एंड वॉश माय फेस विद द फेस वॉश. आई हैव वाइटामिन सी का, वो मेरा अभी एक्चुअली फिनिश हो गया, मैंने आज ही ऑर्डर करा है मॉम्स एंड को का. मैं वाइटामिन सी यूज़ करती हूँ, अगर आज शायद डिलीवरी उसकी है, अगर आज आता है तो आई विल डेफिनेटली शो यू इन माई वीडियो कि वो कौन सा फेस वॉश है दैट आई यूज़. इट विल डेफिनेटली, आप मेरी स्किन देखो, इट इज़ ऑल नो मेकअप एट ऑल, नो मेकअप एंड इट इज़ ऑल फ्लॉलेस, जस्ट सी इट. एंड वॉट आई डू इज़ कि मैं बेसिक, ये भिंडी लग गई. व्हाट आई डू इज़ कि मैं बेसिक चीज़ें भी करती हूँ, जैसे कि टाइम एंड ड्यूरेशन पे आई यूज़ मुल्तानी मिट्टी, आई यूज़ मलाई, बेसन एंड हल्दी, बट जब भी मैं करूँगी आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू. और मैंने एक बहुत अच्छा एक पैक बना के रखा हुआ है विच इज़ बीटरूट एंड एलोवेरा. मैंने बीटरूट और मेरा बीटरूट फ्रिज में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ऐसा हो गया था, मुरझा गया था कि वो सैलड में नहीं काट सकते थे. तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक दैट बीटरूट, आई टुक दैट एलोवेरा, और मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका एक पैक बना के रखा हुआ है. सो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ है. डेफिनेटली गाइज ये इस पर मत जाइए, ये ग्रीन मिंट चटनी की बॉटल है, बट मैंने इसके अंदर जो बना के रखा हुआ है दैट इज़ माई this thing. So I use it this on my skin. So yes, that's what it is. आप भी करिए, and मैं अपने description box में इसका डाल दूंगी कि आप कैसे बना सकते हैं. aloe vera and beetroot, ये आपके face को natural redness देता है, तो which is very good. भिंडी का prep time, भिंडी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी भिंडी में टमाटोज़ डालती हूँ. किस स्टेज पर डालती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे या आप इनकरेक्टली डालेंगे तो भिंडी लेसली भी हो सकती है. मैं भिंडी में अनियंस डालती हूँ इस तरह से काटे हुए, और इसको भिगो के इसलिए रखती हूँ, दो रीजंस. एक तो इसका थोड़ा कड़वापन निकल जाता है, दूसरा आजकल अनियंस में कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ आ जाता है तो वो वॉश हो जाता है. एंड यस, मैं आपको नॉर्मल भिंडी भी जैसे बनाती हूँ उसमें आपको आलू वाली भिंडी भी बना के बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं. दो रीज़न्स हैं आलू ऐड करने के. जब आपकी भिंडी कम हो तो यू कैन डेफिनेटली आप अपनी भिंडी में आलू डाल के थोड़ा सा सब्ज़ी को बढ़ा सकते हो. डेफिनेटली टेस्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स एंड दैट इज़ हाउ वी लाइक इट. तो सबसे पहले हम लोग आलू को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे. गाइज, मैंने जब आलू फ्राई करे तो मैं उसकी वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो हीट अप हो गया था और वो ऑन नहीं होने दे रहा था कैमरा को. सो इस वजह से मैं आलू फ्राई करते टाइम वीडियो नहीं बना पाई. आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए. और अब मैं अपने ऑयल में सबसे पहले ये अनियंस डालने वाली हूँ. तो गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे पहले अनियन डालने वाली हूँ, मैंने अनियन डाल दिया है.
एंड मैं हार्डली और हार्डली 30 seconds to 45 seconds वेट करूँगी कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। आई डोंट वॉन्ट, मतलब मेरे को इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें इस स्टेज में टमाटोज ऐड करने वाली हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी सॉल्ट या फिर मिर्च विर्च कुछ ऐड नहीं करा है। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी जब थोड़ा सा भिंडी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। भिंडी डालने के बाद मैं ऐड करूँगी। एंड गाइस, इसके अंदर लहसुन नहीं डालती हूँ मैं और ना ही मैं अदरक डालती हूँ। मैं सिर्फ अनियन, टमेटो, नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अलावा मैं अपनी सब्ज़ी में कोई मसाला नहीं डालती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि सब्ज़ी में सब्ज़ी का टेस्ट आना चाहिए, ना कि मसालों का। अगर आप मसाला डालना चाहते हैं आप डेफिनेटली डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। गाइस, मैंने सोचा था कि मैं आपको भिंडी डालते वक्त दिखाऊंगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, मेरा फ़ोन बहुत हीट अप हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया है। तो नो प्रॉब्लम, आई विल गेट दैट रेक्टिफाइड। तो अभी मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे और मैंने इसमें भिंडी भी डाल दी है। नमक और मिर्च पहले डाला है। भिंडी जब थोड़ा सा पक जाएगी, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि भिंडी में क्या कहते हैं उसे, इसका कलर लूज़ आउट हो जाता है और इसमें थोड़ा सा लेसलापन आ जाता है। तो जब आप भिंडी के अंदर नमक आप बाद में डालते हो तो उसका कलर बहुत अच्छे से रिटेन रहता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर किसी को भिंडी में लेसलापन का प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आपकी भिंडी लेसली लेसली बन रही है, तो दो चीज़ें आप डाल सकते हो। या तो आप अपनी भिंडी में आमचून डाल सकते हो या फिर आप अपनी भिंडी में नींबू डाल सकते हो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप आमचून और जो नींबू है वो भिंडी थोड़ा पकने के बाद डालिएगा, नहीं तो फिर आपकी भिंडी नहीं पक पाएगी। जैसे ही भिंडी बनती है मैं आपके साथ इसकी शक्ल शेयर करती हूँ। मैं शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ ओट्स, ओट्स स्टील कट्स ओट्स हैं ये, एंड पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। मैं जनरली ना सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग ओट्स को पका कर खाते हैं, मैं ऐसे ही ओट्स लेती हूँ और इसके अंदर अपने सीड्स डाल लेती हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ मिक्सी में, बिल्कुल एक तरह से पाउडर बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पाउडर बना लेती हूँ, तो ऐसा सा पाउडर बना लेती हूँ और फिर मैं इसको मिल्क के अंदर, ठंडा दूध है, मर्ज़ी है, गर्म पीना आप गर्म पीजिए, कोई फ्लेवर डालना है फ्लेवर डालिए, बट मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसको अपने ठंडे दूध में डाल के विदाउट शुगर विदाउट एनीथिंग इसको डालकर, दैट्स हाउ आई कंज्यूम। कुछ ऐसा दिखेगा जब आप अपने जो भी ओट्स एंड सीड्स हैं अगर आप उनको मिल्क में डाल देंगे तो ऐसा दिखेगा। और मैं ऐसा ही कंज्यूम करती हूँ, हार्डली 2 या 3 minutes इसको मिल्क में सोक्ड रहने देती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं एंड देन आई, दैट्स हाउ आई कंज्यूम। तो गाइस, मेरी भिंडी बन चुकी है और भिंडी इस तरह से मेरी भिंडी दिख रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, भिंडी को बनाते हैं वो बिल्कुल रोस्ट कर देते हैं, वो इतनी सूखी भिंडी बन जाती है कि आप उसको खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भिंडी है, ये थोड़ी सी जिसको बोलते हैं सॉफ्ट भिंडी है, जो कि आप खा सकते हो। सो गाइस, यूट्यूब फ्रेंड, प्लीज़ भिंडी खा लो। थैंक यू, ओवर एंड आउट। दिस इज़ हाउ माई भिंडी लुक्स, इट इज़ फाइनल टू बी सर्व्ड। गाइस, आज मेरे लैपटॉप पे ना एक ये बहुत ही सुंदर लाइट हाउस की फ़ोटो आ रही है। आई सो विश कि मैं इस लाइट हाउस पे कभी घूमने जाऊँ, या आई मीन लाइक आई सो विश दैट इफ आई गेट अ चांस टू गो एंड सी दिस लाइट हाउस। आई सो लव द लाइट हाउस, लुक एट द व्यू, लुक एट द यॉट, अमेजिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई, सी एंड अ लैंड इन वन स्क्रीन। सो गाइज, इट्स डिनर टाइम एंड डिनर में आज हमारी बहुत ही ईजी रेसिपी होगी, विच इज़ अंडा भुर्जी। तो एक ट्रिक है छोटी सी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसकी वजह से आपकी अंडा भुर्जी जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी। सो द ट्रिक इज़, आई टेल यू गाइज, द ट्रिक इज़, मैंने एग्स जो है ना वो मैंने मिक्सी में कर लिए हैं, बिकॉज मैं इनको बहुत ही एक अच्छा ब्लेंड देना चाहती हूँ। जितना अच्छा आप अपने अंडों को ब्लेंड देंगे ना, उतना अच्छा और सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी आपकी भुर्जी या ऑमलेट बनेगी। एंड नेक्स्ट आई एम ओनली गोना पुट द चॉप्ड अनियंस इनटू इट, अगेन द सेम बेसिक मसाला ऑफ क्या कहते हैं उसे, नमक एंड मिर्च। दिस इज़ हाउ इट लुक्स,
जब आपने अंडे को मिक्सी में फेंट लेते हैं, और इसमें अगर आप हल्का सा जैसे कि 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच अगर आप इसमें दूध ऐड कर दो तो इट गिव्स वेरी मच फ्लफी, जैसे कि आप फ्रेंच ऑमलेट बोलते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर मेकिंग एन ऑमलेट, इफ़ यू ऐड मिल्क इन टू इट एंड जस्ट ग्राइंड इट इन अ ब्लेंडर, यू कैन मेक अ फ्रेंच ऑमलेट एज वेल। सो आई विल शो यू मेरी अंडा भुर्जी। एक्चुअली मैं अंडा भुर्जी नहीं, मैं पैन केक बनाती हूँ अंडे का। तो आई विल शो यू हाउ आई मेक इट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज़ पुट सम थोड़ा सा ऑयल डालकर पैन में, आप अनियंस जो चॉप्ड अनियंस हैं उनको हल्का सा हल्का सा बहुत हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट कर लीजिए। मतलब आपको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है या ब्राउन भी नहीं करना, हल्का हल्का सेक लगा के उसे बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है। गाइज आज सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने आज ज़्यादा वीडियो शूट करी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आज शाम की चाय की वीडियो रह गई, जिसमें आज सर दर्द की वजह से मैंने भी आज चाय ही ली, और चाय के साथ सिर्फ 1-2 बिस्किट्स लिए मैरी के, एंड दैट इज़ इट। सो गाइज दिस इज़ द स्टेज जहाँ पर आप एग ऐड करेंगे, जो आपने एग का मिक्सचर बनाया वो। सो दिस इज़ दी, मैं आपको साफ साथ साथ दिखाते रहती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम ग्राइंडर को अच्छे से क्लीन करेंगे एंड वी विल नॉट मिक्स एनी थिंग राइट नाउ। सो गाइज यू कैन एक्चुअली सी कितनी ये फ्रॉथ वाली एग आपको दिख रहा है। मैंने इसको सिर्फ हल्का सा हिलाया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग। आई विल लेट इट स्टे लाइक दिस, लेट इट सेटल लाइक दिस, और फिर अब मैं इसके ऊपर आई एम गोइंग टू पुट द लिड ओवर इट, सो दैट कि ये अच्छे से सिक कर एक साइड से अच्छे से बन जाए। और जब मैं इसे टर्न ओवर करूँगी आई विल शो यू। सो गाइज मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर एज इन धनिया स्प्रिंकल करा एंड आई विल शो यू कि ये कितना फ्लफी बन रहा है। लुक एट इट, लुक एट द थिकनेस ऑफ इट। आई विल शो यू फ्रॉम यहाँ से, आप इसका थिकनेस देखो। लुक एट द थिकनेस ऑफ इट, लुक एट इट। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्लफी, और फ्लफीनेस इसकी अगर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करोगे तभी आएगी। अभी मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेट इट पकने देते हैं एक साइड से, ताकि फिर हम इसको जब टर्न ओवर करें, जब इसको टर्न करें तो ये टूटे नहीं। सो दिस इज माई एग पैन केक। गाइज द थिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू शो यू इज किसका थिकनेस देखो। अरे जब भी मैं दिखाने लगती हूँ वो दिखता ही नहीं है। ये देखो, लुक एट द थिकनेस ऑफ इट, लुक एट इट, लुक एट द थिकनेस। इज मैंने उसको पलटाया, अपनी पूरी परफेक्शन वाली ट्रिक्स लगाई, बट वो बीच में से थोड़ा सा टूट गया। बट दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि टूटे ना। बट वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू इज़ डेफिनेटली द थिकनेस ऑफ इट, लुक एट द थिकनेस ऑफ इट। और मैंने ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए, लुक एट द थिकनेस, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो ये 3 अंडों का है। एंड आप थिकनेस देखो, और ये थिकनेस सिर्फ और सिर्फ आई है जब आप इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लुक एट इट, आप इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे मिक्सी में तो आपको ये थिकनेस मिलेगी अपने एग ऑमलेट की, या बोल दो एग पैनकेक की। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हेलो गाइज, तो मेरे फेस पे स्माइल देख कर आप समझ ही गए होंगे कि ये टाइम है पुअर जोक्स टाइम। तो आज मैं बताने वाली हूँ मालिक और नौकर की कॉन्वर्जेशन, कभी कभी बहुत फनी होती है, बिलीव मी। तो मालिक नौकर को बोलता है, जा जा के बाहर देख कर आ, सूरज निकला है या नहीं निकला। तो नौकर जाता है बाहर और बोलता है, अरे साहब बाहर तो बहुत अंधेरा है। तो मालिक बोलता है, अरे काम चोर, कभी तो काम ढंग से कर ले, हमेशा बताना पड़ता है, जा मेरे कमरे से टॉर्च लेके जा और जाके देख सूरज निकला या नहीं निकला। आई नो एट टाइम्स आई नीड टॉर्च। इतने गंदे जोक्स होते हैं कि कभी कभी मैं भी पढ़कर 5-5 मिनट तक तो हंसती रहती हूँ, और फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन जोक्स को सुनकर 5 मिनट तक हंसती हूँ या मेरा दिमाग पुफ हो जाता है, तो आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प यू एज वेल।
गाइज आई नो ये क्या जोक्स हैं क्या नहीं, कुछ लोगों को हंसी आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार ये क्या बकवास जोक्स हैं, बट बिलीव मी मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है इन जोक्स को लेकर, क्योंकि दिस इज़ के चाहे जोक्स कैसे भी हैं बट एक एड फन फैक्टर डालते हैं, एक उम्फ फैक्टर डालते हैं व्लॉग्स में। दोस्तों किसी को रुलाना बहुत आसान है, बट बिलीव मी किसी को सिर्फ 2 पल के लिए हंसाना, सिर्फ 2 पल के लिए बहुत मेहनत लगती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को जीते रहिए। हमारा जीवन कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हमारे वो टाइम जिसमें हम अपनी मम्मी को बोलते थे मम्मी बस 5 मिनट सोने को दे दो, बस 5 मिनट हम उठ जाएंगे, अभी उठ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम है जब अलार्म बजता है ना तो उठना पड़ता है, क्योंकि नॉट दैट आई एम सेइंग बिकॉज आई एम अ फीमेल, मेल्स के लिए भी यही चीज़ है, अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर मेल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी बहुत काम करना होता है, और अगर हम फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली हमको काम करना है, क्योंकि हमें सब घर का खाना बनाना है, सबका देखना है, क्योंकि सब लोगों का टाइम हम पे डिपेंड करता है। तो वो टाइम और आज का टाइम कैसे बदल गया पता ही नहीं चला, हम कब ग्रो कर गए पता ही नहीं चला। वो टाइम जब हम पेरेंट्स से या अपनी सिस्टर के लिए चॉकलेट्स परचेज करते थे, अपने ब्रदर्स से चॉकलेट परचेज करते हैं अब, लेकिन वो टाइम था जब हम उनसे छीन कर खाते थे। छीन कर खाना हमारा ये नहीं था कि हमें उनसे छीन के खाना है, वो प्यार था, लेकिन अब क्या छीनना क्या, ये सब प्यार अपनी जगह है, लेकिन वक्त हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। बहुत याद आती है बचपन की वो बातें बहुत ज़्यादा, बट ठीक है दैट्स ओके। आई थिंक जैसे मैंने आज आपको सुबह अपने स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में बोला, अपने अंदर का बच्चे को कभी मत मरने दो, हमेशा अपने बच्चे को कायम, अपने अंदर के बच्चे को कायम रखो, बिलीव मी द लाइफ विल बी फन। फन कीजिए, मस्ती कीजिए, इन्जॉय कीजिए। एंड किसी ने बहुत अच्छा कंपैरिजन करा है लाइफ को आइसक्रीम के साथ, इन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। सो डेफिनेटली गाइज इन्जॉय योर लाइफ, एक एक ही जन्म मिलता है, प्लीज इन्जॉय इट। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरा फेस वॉश जब आ जाएगा कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मेरा फेस वॉश है ये मॉम एंड को का। इट हैज़ वाइटामिन सी, अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। इसका एक छोटा सा टिप है, कभी भी फेस वॉश को ना आप पानी से मिक्स करके मत लगाओ, अपने फेस पे सीधा लगाओ और फिर उसके बाद आप उसको वाटर से वॉश करो। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।